हम लोग को जो इम्प्लीमेंट चाहिए जियो नंबर 465 को निकाल देना है, निकाल दिए तो हम लोग वो प्लेस पर हम लोग को रखना है, क्लिनिकल फार्मेसी जैसा हम लोग को रखना है, रद्द चाहिए वो रद्द करना है, वो बोले तो निकाल देना है, और हम लोग को क्लिनिकल फार्मेसी में जॉब देना चाहिए, जॉब ही नहीं है हम लोग को, फॉर्म डी बोले तो असल इंडिया में है या नहीं कुछ भी नहीं मालूम रहेगा, इसलिए फॉर्म डी बोल के है। ये आरएमपी डॉक्टर जियो नंबर 465 के प्रकार से है तो आरएमपी डॉक्टर्स के लिए है, इन्हें डॉक्टर्स का क्लिनिक रख लेने का दिए है, पर हमारे को छह साल करते हैं हम फॉर्म डी, फिर भी हमको है इन्हें क्लिनिकल रख लेने का ये नहीं दिए है, अप्रूवल नहीं करे है। एक वेटरनरी वाला है इन्हें 5 साल करके, उसको भी है इन्हें एक वेटरनरी वाला 5 साल करता है क्या, 5 साल करके उसको है नहीं तब सलाहियत मिलती है कि तब जानवर को देखने की मिलती है। एक इंसान को देखने के लिए है इन्हें 6 महीने, सिर्फ 6 महीने आरएमपी ट्रेनिंग कर लिए तो बस है क्या, हम तो 6 साल करते हैं, 6 साल करके भी हमारे को सही से नहीं मिल रहा, और तो फिर हम राष्ट्र से चाहते हैं कि सीएम से चाहते हैं कि हमारे को क्लिनिकल रखने की सलाहियत दे। थाउजेंड 8 में इम्प्लीमेंट करे लेकिन उसको कुछ भी जॉब्स नहीं दे रहे। अब ये आरएमपी डॉक्टर्स को जियो नंबर 465 बोल को क्या बोलते हैं, 6 मंथ्स ट्रेनिंग दे के विलेजेस में रूरल एरियाज में जॉब्स दे रहे, लेकिन फॉर्मली डॉक्टर्स को कुछ भी जॉब्स नहीं दे रहे। क्लिनिकल प्रैक्टिस 6 ईयर्स की क्लिनिकल प्रैक्टिस करने के बाद भी नो जॉब्स, कहाँ भी जान दे नो वैकेंसी नो जॉब्स, तो वो फॉर्मली डॉक्टर्स 6 ईयर्स ट्रेनिंग करे बाद भी दे आर क्वालिफाइड डॉक्टर्स, उनको डॉक्टरेट बोल के सर्टिफिकेट आती बट नो जॉब्स, इसलिए ये जियो नंबर 465 को ये करके जियो सेक्शन 460 सेक्शन 42 फॉर्मडी डॉक्टर्स को इम्प्लीमेंट करके उसका जॉब देना बोल के देख रहे हैं। अब वेटरनरी डॉक्टर्स को 5 ईयर्स कोचिंग देके एज एनिमल डॉक्टर्स के जैसा दे रही है, अब वैसा भी नहीं जैसा, जस्ट 6 मंथ्स कोचिंग देके आरएमपी डॉक्टर्स के जैसा दे रहे हैं, वो है, पब्लिक हेल्थ को रिस्क में रख रही हूँ, वो इसलिए जियो 465 को नहीं इम्प्लीमेंट करना बोल के देख रही हूँ। मेरा नाम मुअज्जमा, फॉर्म डी 4th ईयर।